तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा दूं, आस एजुकेशन पीबीटी इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का ये टेस्ट है 13/5/2023 का, ठीक है। तो अब जो टेस्ट होगा दूसरा, वो मैं आपको जल्दी वीडियो दे दूंगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो और आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो टेक्निकल की, इलेक्ट्रीशियन संबंधित, चाहे वो भेल, सेल, गेल, यूपीपीसीएल, मेट्रो या एएलपी किसी की हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगा लें, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये कुछ टेस्ट देना चाहते हो, आप लोग इलेक्ट्रीशियन फिटर का या एएलपी का, तो आप विग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लें। विग बूस्टर ऐप डाउनलोड करेंगे तो विग बूस्टर ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई मांगेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कूपन कोड सेवा30। ये कूपन कोड आप किसी भी टेस्ट सीरीज पर लगा के आप वाइन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये भी टेस्ट आपको मिल जाएगा वहाँ पर, माइंड टेस्ट के नाम से एक ऑप्शन होगा, माइंड टेस्ट, तो वहाँ तो लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए सारा कुछ, ठीक है। अब ये 50 क्वेश्चन मैं आपको पूरा करवाऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। ये देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए सारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अब दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन फेज मतलब एक तीन फेज प्रत्यावर्तक में, इसमें तीन कुंडलन डॉट 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 डिग्री की दूरी पर होते हैं। तो हमें ये बताना, जो थ्री फेज हमारा होता है वो कितनी मतलब डिग्री पर स्थित होता है। तो बताइए, हम कहेंगे क्या एक 270 डिग्री, या फिर 100 डिग्री, या फिर 180 डिग्री, या फिर हम कहेंगे क्या 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। थर्ड वाला, वो फोर्थ वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपकी एग्ज़ाम है तो इन 50 क्वेश्चनों को अच्छे से रट जाइए। ये क्वेश्चन 50 में से मैं कह रहा हूँ आपके 5-6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संग्राहक बैटरी की ऊर्जा क्षमता किसमें रेटेड होती है, किलोवाट में होती है, जूल में होती है, एम्पियर हावर्स में होती है, जूल में होती है, बताइए जल्दी सभी लोग कमेंट करके। तो इसका अगर आप लोग सही आंसर जो लगाओगे क्या सी का, वो हो जाएगा इसका दूसरे वाले का सी, यानी कि एम्पियर हावर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो उदाहरण आप बताओगे, लेड एसिड बैटरी जो है इसी का ही उदाहरण है, ठीक है। और निकल है, आयरन बैटरी है, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इन बैटरी क्या करते हैं, और जो बैटरी होती है हमारी, उनको बार बार चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखो। निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीटर का प्रयोग करके मापा नहीं जा सकता है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज आप यहाँ पर हो जाओगे, देखो आप लोग ये नहीं देखोगे, आप सीधा लिखोगे और मार दोगे। इसमें बोला नहीं मापा जा सकता है, तो हमेशा याद रखना किसको, आवृत्ति को, धारा को, वोल्टेज को, या प्रतिरोध को, किसको। तो आप लोग बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत्ति को, हम नहीं माप सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये टेस्ट रोजाना शनिवार को चलता है, रोजाना सर मतलब रोजाना सॉरी हर हफ्ते में, एक हफ्ते में शनिवार को चलता है रोज, ठीक है। तो मैं आपको अब जो टेस्ट होगा वो मैं आपको बहुत ही जल्द वीडियो दे दूंगा, ठीक है। अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, और उस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोगों का सपोर्ट इस वीडियो में अच्छा रहा, इस पेपर ये जो टेस्ट होता है ना, इसके 10 रुपये लगते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आईडिया भारत स्किल टेलीग्राम सर्च कर लेना, और नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुंडल प्रतिरोध के कारण होने वाले हानि को क्या कहा जाता है। जो हमारी कुंडलन होती है उसमें जो प्रतिरोध के कारण जो हानि होती है उसको हम क्या कहते हैं, लौह हानि, शैथिल हानि, या भंवर हानि, या तांबे की हानि। तो हम क्या कहेंगे जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, तो उसे बोलेंगे क्या, देखो एक मैं आपको बता दूँ, कुंडल, कुंडल मतलब हम कुंडलन याद कर रहे हैं, कुंडलन, कुंडलन इसमें लोहा, कुंडल हम ज़्यादातर हम कैसे पहनते हैं, सोने के पहनते हैं, लेकिन सोना हमारा महंगा है तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं, लेकिन कुंडलन को आप रिलेट करेंगे तांबे से, तो आपका ये आंसर आसानी से सही हो जाएगा, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाए, और कभी भी एग्जाम में नहीं भूलोगे। अगर कुंडलन प्रतिरोध की हानि आ जाए तो आप क्या करो, कुंडल, कुंडल मतलब सोना, सोना महंगा है, तो हम क्या करेंगे, कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, ऐसे इसको याद कर लेना, रिलेट कर लेना इसको, ठीक है। चलिए तो इसका डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, मोटर का कौन सा हिस्सा है यह पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है। देखो कौन सा एक हिस्सा है, ऐसा कौन सा वो पार्ट है जो इसको बताएगा डीसी मोटर है, फ्रेम, दिक परिवर्तन, शाफ्ट, या स्टेटर। तो बताइए जल्दी सभी आंसर का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये मैं फिर कह रहा हूँ, देखो एएलपी की प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, और आप ऐसा नहीं कि एएलपी में पूछेंगे हमारे में नहीं आएंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आपका सिलेबस तो यही है।
चलिए तो ये हो जाएगा दिक परिवर्तन इज द राइट आंसर, एकदम सही आंसर इसका बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की उत्पत्ति निम्न से होती है, तो किसके कारण होती है ये आप आसानी से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी साथी इसका आंसर नहीं दे सकता है। देखो क्या पूछा उसने, होल की उत्पत्ति पूछी, तो होल की उत्पत्ति होती केमिकल केमिकल से, हम कह सकते रासायनिक प्रभाव से, उसमें प्रभाव से, चुंबकीय, या सभी, तो डायरेक्ट सभी लोग क्या रहे हैं, डायरेक्ट एकदम लगा देंगे सभी, तो ये क्या हो जाएगा इसका गलत आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा उष्मीय प्रभाव, क्या हो जाएगा बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दशमलव संख्या पाँच का द्विआधारी समकक्ष क्या होगा, देखो एक से लेके क्या करना है आपको, एक से लेके दस तक तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो इसने क्या बोला है, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर दो पे घात जीरो कर देंगे, ये हो जाएगा क्या दो दुनी चार, तो ये तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा चार और एक पाँच, क्या ये सात का ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल। कैसे होता है ये, पीछे से आप क्या करेंगे, दो पे घात जीरो करेंगे, तो दो पे घात जीरो करेंगे तो ये वन हो जाएगा, और ये दो पे घात चार करेंगे तो दो दुनी वो सॉरी तीन, हाँ दो पे घात दो करेंगे, ये दो पे घात एक करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो दो दुनी चार और एक पाँच, तो द्विआधारी संख्या ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। इनमें करके देखो कि दो पे घात जीरो, दो पे घात एक, दो पे घात दो, तो दो दुनी चार, चार एक पाँच, पाँच और एक छः हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लेप की दक्षता में क्या मापी जाती है, देखो लेप की दक्षता में क्या मापी जाती है, तो आप लोग क्या बताओगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से भाई सभी लोग, तो आप बोलोगे लेप की दक्षता लुमेन वाट, लुमेन फ्लक्स, कैंडला वाट, या हम कह सकते हैं लक्स वाट, तो इसका हो जाएगा लुमेन वाट, लेप की दक्षता क्या हो जाएगा लुमेन वाट, एकदम राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई भी साथी इसका आंसर नहीं दे सकता है। देखो भारत में, और हाँ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट में दूंगा, ठीक है, वो कमेंट करके आप लोगों में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में घरेलू उपकरण सामान्य तौर पर निम्न में से किस पर संचालित होते हैं, 50 वोल्टेज पे हमारे घर के सामान चलते हैं, या 110 या 120 230, तो आप लोग क्या कहेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 230 वोल्टेज पे चलता, राइट आंसर सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं, हम आपको पूरा कराएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है एक टोस्टर में तापमान तत्व डॉट डॉट के तार का बना होता है, कंथाल का, निक्रोल का, निक्रोम का, या ताम्र निकोल का, किसका बना होता है, किसका, टोस्टर का पूछा है, तो टोस्टर का क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी सभी लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो टोस्टर होता है उसका तापन तत्व जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है नाइक्रोम का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं धारा ट्रांसफार्मर डॉट डॉट का उपयोग करती है, ओहो क्या बात है, धारा ट्रांसफार्मर यानी कि हमारा करंट, तो टोरोइडल ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, केंद्र स्ट्रिप ट्रांसफार, या अपचाई ट्रांसफार, तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा क्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्चाई ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर किसका उपयोग करता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है, तो क्या हो जाएगा बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक ऑफलाइन यूपीएस को डॉट डॉट की आवश्यकता होती है, तो एक जो हमारा ऑफलाइन जो यूपीएस होता है उससे में सीधी सी बात है किसकी आवश्यकता पड़ी जाती है, प्रेरकत, संधारित्र, प्रेरक, दो प्रतिरोधक, या बैटरी, तो हम बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैटरी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या बैटरी। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घरों की वायरिंग में स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है, अरे भाई साहब यह क्वेश्चन किसको नहीं आता है, सभी को आता होगा मुझे नहीं लगता, फेज तार पर लगाते हैं क्या, न्यूट्रल पे या दोनों पे, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे वो बोल देंगे नहीं हम तो लगा देंगे न्यूट्रल तार पे, तो क्या हो जाएगा गलत, राइट ऑप्शन हो जाएगा फेज तार पे लगाते हैं, किस पर, फेज वायर पे लगा देते हैं, किसको, स्विच को, ठीक है। चलिए तो इसका ए आंसर सही आंसर हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है, विद्युत कार्य करते समय डॉट डॉट से विद्युत का झटका लगने की संभावना नहीं होती है, किसकी नहीं होती है, गीली लकड़ी पर, मेटल रॉड, गीली रस्सी, सूखी लकड़ी, यार 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 क्या बात है, उड़ा दो मेरे से उड़ा दो, सूखी लकड़ी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लंबी दूरी के लिए शक्ति संचरण डॉट डॉट पर किया जाता है, उच्च वोल्टेज, कम धारा, या उच्च धारा, तो किस पर संचरण करने के लिए किया था, तो आप लोग बोलेंगे 15 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, हमेशा याद रखना क्या,
उच्च लंबी लंबी दूरी मापने के लिए शक्ति जो होती है वो हम उच्च वोल्टेज का प्रयोग करेंगे, कम वोल्टेज का नहीं करेंगे, ना ही कम धारा का करेंगे। तो इनका ये तो हम वैसे ही कट कर देंगे इनको, अब बचा क्या हमारा वोल्टेज और धारा। तो प्रयोग किसका करते हैं, उच्च लंबी दूरी के लिए हम वोल्टेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओ भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा दो वेरी वेरी, मैं तीन बार इसको वेरी वेरी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। SWG ये DRDO में भी अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, DRDO में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है SWG का। तो स्टैंडर्ड वायर गेज कहाँ है, स्टैंडर्ड वायर ग्राउंड गलत हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज ये तो सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम में देखिए। एक विद्युत लाइन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है जबकि एक डॉट डॉट मोटर की गति को करता है। तो देखो क्या पूछा है उसने, वाहन की स्पीड को, वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है जबकि एक मोटर की गति कौन पता करा। अच्छा मोटर की गति पूछा गया है तो हम एकदम इसका सही आंसर लगा देंगे क्या, टैकोमीटर, टैकोमीटर का ही प्रयोग करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हमारा एकदम सही आंसर जो हो जाएगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा, टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लेना है सभी को, ठीक है। चलिए आगे देख ले, पहले क्वेश्चन देख लो फिर पलट देते हैं। और हाँ वीडियो के अंत तक बने रहना, थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे, ठीक है, टेस्ट से संबंधित अगर आप ऐसे ही रोज़ वीडियो चाहते हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में आउटपुट को कम वोल्टेज देगा, तो देखते हैं। तो चलिए ये रहे ऑप्शन, एक क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि धारा ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर, या ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या अपचाई ट्रांसफार्मर। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसके लिए है, उच्च वोल्टेज देने के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज देने के लिए, ये भी याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, देखो डीसी जनरेटर पूछा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 19 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना जो डीसी ट्रांसफार्मर होता है हमारा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बोलेंगे ये जनरेटर पर, तो कहाँ पर है, देखो हाँ सॉरी एक मिनट, तो आप लोग क्या लगाओगे इसका, फैराडे का नियम, या हम कह सकते हैं स्टाइनमेंट का नियम, या लेंज का। देखो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बचा क्या फैराडे का नियम, लेंज का नियम। तो डीसी जनरेटर मोटर जो होती है हमारी, डीसी जनरेटर मोटर किस सिद्धांत पर, वो होती है फैराडे चचा के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में कुंडली होती है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ये ऐसा नहीं ELP में ही पूछा गया है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का, वो आप लगाओगे कि उसमें एक कुंडली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या, ये ELP में पूछा जाएगा, नहीं ये आपके एग्जाम में भी। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा वीडियो को पूरा देख लो एक बार, ठीक है। चलिए एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुत संख्यक आवेश होते हैं, तो एन चालक पूछा गया है, देखो पी चालक नहीं पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एन चालक। तो एन चालक में मुझे नहीं लगता कोई भी साथी नहीं जानता हो, तो एन चालक में क्या होता है, सभी लोग सीधे से बोल देंगे क्या होता है, क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, और छेद या होल किसमें होते हैं, पी वाले में, ठीक है, पी प्रकार अर्धचालकों में। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, मुझे नहीं लगता कोई भी नहीं बता सकता इसका, रेडियो पर होगा नहीं, भमर धारा होगा नहीं, फोटो होगा नहीं, तो ये जगह परस्पर विद्युत प्रेरण, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा होता है, तो कैसा होता है, तो आप बोलेंगे उसका होता है शून्य अनंत, देखो ये तो हो ही नहीं सकते, इनसे कोई मतलब नहीं, शून्य अनंत। तो हमेशा याद रहे एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, तो ये आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, क्या पूछा उसने, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, निकल, सीसा, प्लेटिनम या तांबा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 25 में से, तो आप बोलेंगे जो लौह चुंबकीय जो होती है वो निकल से संबंधित होती है, किससे, निकल। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या 25 का ये आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरचना पर आधारित है, देखो किरचॉफ का प्रथम नियम किस के, तो आप लोग क्या बोलोगे, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरचना पर आधारित है, वो हो जाएगा हमारा विद्युत धारा, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या कह रहा है, देखो ये रहा वीक बूस्टर, मैंने आपको दिखा दूँ, डाउनलोड करोगे वीक बूस्टर सारथी ऐप है, यहाँ पर आप क्या करोगे, कूपन कोड मांगेगा वहाँ पर, तो कैपिटल में आपको लिखना SHIVA30,
ये आप कूपन कोड लगा के 30% किसी भी टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट लगाना चाहते हो तो ये भी आपको मिल जाएगा, माइंड टेस्ट के नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और आपको UPPCL की मिल जाएगी, आपको ALP की भी मिल जाएगी, फिटर की भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप ये कूपन कोड लगा के आप वायना कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो कितना कौन सा किया था देखते हैं, 1 KV, 8 KV, 15 KV या फिर 11 KV। तो 27 नंबर का मुझे नहीं लगता कोई भी इसका नहीं लगा सकता है आंसर, 27 का तो होता है 11 KV। राइट आंसर डी आंसर, एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्या डी आंसर। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का क्या उद्देश्य है। यार भाई यह क्वेश्चन जो होता है बार बार एग्जाम में पूछा गया है, UPPCL में तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफार्मर को आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका डायरेक्ट आप लोग सी आंसर लगा सकते हो, बाकी आप ऑप्शन पढ़ो या मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या हो जाएगा ओम, अब ओम तो हमारा है और विशिष्ट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा ओम मीटर, तो 29 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो UPPCL में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अब एक का पूछा गया अमीटर पूछा गया है। ठीक है, तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आप लोग बताओगे वो कैसा होता है, हम बोलेंगे शून्य होता है, तो ए आंसर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो 2, 3, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो सीधी सी बात है यार समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते हो क्या, मुझे नहीं लगता किसी साथी को आता नहीं हो, समांतर क्रम में जोड़ देना कैसे, 1/R + 1/R + 1/R बना R2 कैसे करके और एलसीएम लेके और फिर पलट देना, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा इसका, सभी लोग कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 32 पर, प्रकाश का रंग निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग जो होता है हमारा किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग बोलेंगे प्रकाश का रंग जो होता है यह हमेशा याद रखना तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हो वायरिंग में प्रयुक्त चालक निम्न में से होना चाहिए, देखो वायरिंग में किसका चालक होना चाहिए, यार जो वायरिंग करते हैं उसका जो चालक होना चाहिए वो हमेशा याद रखना किसका होता है कॉपर का होता है, कुछ सोचने समझने का, एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है रिपीटेड बार बार क्वेश्चन है, तो आप लोगों से कहना चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शक्ति ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया गया, भाई साहब ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, लगता कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, सभी लोगों को आता होगा, देखो सिलिकॉन इस्पात, बहुत बढ़िया, सिलिकॉन इस्पात की होती है जो हमारी शक्ति कोर जो होती है, किसकी होती है शक्ति ट्रांसफार्मर वो होती है सिलिकॉन यानी कि इस्पात की। चलिए वर्ग वी की आग की नियंत्रित करने के लिए किस आग्निक संबंध का उपयोग करते हैं, वर्ग वी की, अब वी है, वी मतलब क्या करेंगे, वी मतलब सी, तो क्या आ जाएगा आप लोग क्या लगाओगे, CO2 लकड़ी के टुकड़े, मतलब किसको नियंत्रित अग्निशमन यंत्र आपको किया कौन सा उपयोग कर सकते हैं, अच्छा ये पूछा है जो वर्ग वी की आग लगती है वो हम किस इनमें से किसके द्वारा इसको प्रयोग करके बुझा सकते हैं, तो बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, तो आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ए आंसर एकदम सही हो जाएगा, लकड़ी के टुकड़े ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं। ठीक है, ये जो लाइट वाइट में आग लगती है उसके लिए पानी, ये लकड़ी में आग लगती है तो पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे देखते हैं, 28 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के दो कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में, देखो क्या हमेशा याद रखना कैपेसिटर और प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध क्या पूछा गया श्रेणी क्रम में तो हम श्रेणी क्रम क्या होता है R1+R2 ये होता है प्रतिरोध का, अगर यही बात कैपेसिटर की बोल दिया प्रतिरोध यानी श्रेणी क्रम में बोले तो 1/R1 1+R2 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करेंगे क्या 1/28 और 1+1/28 ऐसे करके आप एलसीएम लेके और इसका आंसर निकाल सकते हो। देखते हैं आगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो 64 यानी कि जब हम 1 मिनट 1/28 करेंगे 1/28
तो एलसीएम कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो एक और एक दो 28 यानी पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा, सी आंसर। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी सांस दी जाएगी, कौन सी विधि अपनाई जाएगी, सीधी सी बात है सैफर विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है कौन सी विधि करेंगे, सैफर विधि, एकदम राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का सी आंसर हो जाएगा, अरे सॉरी हम सही बोलते हैं बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा, तो आउटपुट कैसा होगा, अल्टरनेटिंग या पल्सेटिंग या फिर डायरेक्ट या फिर ऑसिलेटिंग, कैसा हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन अल्टरनेटिंग हो जाएगा। मतलब क्या होता है, आर्मेचर को स्लिप रिंग से अगर जोड़ देंगे तो अल्टरनेटिंग करंट आने लगेगा, कैसा अल्टरनेटिंग। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप लोग सीधा क्या लगाओगे डायरेक्ट एकदम बिना सोचे समझे बी आंसर, ये क्या हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा इसका मेरे दोस्त, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोटोवोल्टाइक इज द राइट आंसर, 100% यही आंसर सही होगा सी वाला। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण है, गैर परंपरागत पूछा गया, तो सीधी सी बात वायु क्या हो जाएगा 40 का, तो आप लोग ये लगाओगे इसका सही आंसर एकदम राइट ऑप्शन 40 का सी आंसर हो जाएगा गैर परंपरागत, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया बार बार। आगे देखते हैं, भारत में एकल फेज वाले दीवार दीवाट साकेट की आपूर्ति सामान्य आमतौर पर कितने फ्रिक्वेंसी होती है, यार सीधी सी बात है 50 हर्ट्ज होती है, अमेरिका में कितनी होती है 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का फ्यूज तार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो कागज का नहीं किया जा सकता है, राइट ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा हमारा कागज का नहीं। दिष्ट धारा में क्या होता है बताइए, बताइए सभी लोग एकदम सही से एकदम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा में क्या होता है, जो हमारा डीसी धारा होती है उसमें क्या होता है, आप लोग बोलेंगे परिणाम और दिशा समान होते हैं, या हम कह सकते हैं क्या हाँ या धारा का परिणाम समान होता है, हमेशा याद रखना जो डीसी धारा होती है एक ही बात याद रखें, परिणाम और दिशा दोनों क्या होते हैं इसमें समान होते हैं। ठीक है चलो, प्रतिरोध डाट का उपयोग करके मापा जाता है, प्रतिरोध किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं प्रतिरोध मापने के लिए, तो 44 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है तो राइट ऑप्शन का हो जाएगा डी आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बिजली का खराब चालक कौन सा है, तो बिजली का सबसे कौन सा चालक पूछा गया, तो खराब शुद्ध जल क्या हो जाएगा, शुद्ध जल राइट ऑप्शन का हो जाएगा डी आंसर। बाकी देखो ये ऑप्शन एकदम पढ़ते ही आप इन क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धारा वहन चालक में बल की दिशा को डॉट डॉट का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है, तो किसका मतलब क्या पूछा उसने, बल की दिशा, तो बल की दिशा कौन बताता है ये हमें बताना है, तो बल की दिशा बता दें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर। देखो मुट्ठी का नियम गलत, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो ये और ये, तो ये इसमें जो होता है वाहन बल, बल की दिशा जो होती है बाएं हाथ का नियम बताता है, बल बाएं ऐसे याद रख लें, देखो ये रहा बल और ये रहा बाएं, तो एक दूसरे रिलेट करो तो अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, फ्लेमिंग का हस्त दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा निम्न में से किसको बताता है, या सीधी सी बात है चालक की गति को ही बताएगा, किसको बताएगा, तो आप बोलोगे चालक की गति की दिशा बताता है अंगूठा। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर की, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की रेटिंग सामान्य तौर पर किसमें व्यक्त जाती है, ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है चलिए, और आप ऐसे ही हर शनिवार का टेस्ट अगर आप हमारी वीडियो के माध्यम से करना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको वीडियो मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एक बॉडी प्रकाश उत्सर्जित करता है, एक बॉडी पूछा है, तो एक बॉडी जो प्रकाश उत्सर्जित करता है तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा सोडियम वाष्प लैंप, एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रकाश के द्रव स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है, तो वो तो राइट ऑप्शन आ जाएगा 400 से 700 nm, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 48 वाला ये हमें कभी लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो विग बूस्टर ऐप पर, ये डाउनलोड कर लेना ये प्ले स्टोर पर डाल के, और आप हमारा कूपन कोड कैपिटल में SHIVA सिवा 30 कूपन कोड लगा के आप हमारा कोई सी भी टेस्ट सीरीज परचेस करो, वहाँ पर आप देख सकते हो बार की भी टेस्ट सीरीज आ चुकी है, ALP UPPCL सब की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप सर्च में जाके देख सकते हो। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस मॉक टेस्ट का एंजॉय किया होगा, जो कि आप देख सकते हो कहाँ से है, एस के झांसर का है, ये देखिए। ठीक है, तो आप लोग इसको शेयर कर देना, आपके जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर देना, थोड़ा सा हमें मोटिवेट मिलेगा, जो कि नेक्स्ट जो इस शनिवार का जो टेस्ट है मैं वो भी आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।